सो गाइस यही था हमारा डेस्टिनेशन उधरन गोपालपुर, और आप साथ में देख पा रहे हैं राहुल को भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रांजिट ड्यूलॉजीज। आज का दिन है 24 मई और सुबह के बज रहे हैं 4। आज का हमारा सफ़र होने वाला है 500 किलोमीटर्स का। आज हम कवर करने वाले हैं धनबाद से यूपी का रास्ता। यूपी में हमारे एक खास दोस्त की शादी है और जहां पर हमें बाराती में अटेंड करना है, और सफ़र में हमारे साथ रहेंगे पहले यात्री राहुल, दूसरे यात्री विकास, और तीसरा यात्री हम आपको दिखाने वाले हैं धनबाद स्टेशन में थोड़ी देर के बाद। और ये जर्नी में हमारे साथ रहेगा हमारा क्रेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर साहब के आने का, और ड्राइवर साहब आने में अभी मिनिमम हाफ एन आवर से 45 मिनट्स हम लोग यहाँ पर हैं अभी, बट नज़र नहीं आ रहे वो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, देखो। हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं रिटर्न। ड्राइवर साहब, आपका नाम? राजन जी, हमारे साथ रहेंगे इस सफर में। चलिए सफर की करते हैं शुरुआत, अब आएगा मजा। पर तुम सुनना पाए पहाड़ों ये कॉपीराइट आ जाएगा, किसका का वाला टिन बजा दिया। ये पहाड़ जो दिख रही है किसका है? और कुछ नहीं थे, वो देख रहे थे दादाजी, वो लोग छोड़ के आए, वो घास खाने को आया। हाँ वहाँ घास हो गया, वहाँ बकरी छोड़ने वाले कुछ दिन। अच्छा, गाय भी चल रहा है ना। सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। सुबह इस धनबाद से निकलने के बाद ये हमारा पहला ब्रेक है। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कम लंच करने वाले हैं। देख के तो अच्छा ही लग रहा, सी देख के तो मज़ेदार लग रहा जगह, देखते हैं अंदर क्या है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी बात बनी नहीं, यहाँ पर अभी तक लंच का सेटअप इन्होंने किया नहीं है, अभी तक ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। हमें भी लंच कम ब्रेकफास्ट ब्रंच करना था, बट समहाउ अभी यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, तो चलिए कोई और जगह ढूंढते हैं जहाँ हमें खाना भी मिल जाए। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। सोन होटल, बक्सर, बलिया, गोविंदपुर और भरौली। फाइनली गाइस, दिस इज आवर लोकेशन जहां हम लोग खाना खाने वाले हैं। अब चलिए आके देखते हैं क्या क्या खाना मिलता है इधर। इधर बैठना, इधर इसमें बैठे हैं। थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। हम चावल भात भी है, जिसको थोड़ा खाना भात रोटी।
गाइस लंच हो गया हमारा डन और अब बाकी के 70 किलोमीटर सब हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सनरूफ का भी थोड़ा मजा ले लिया जाए। इस कार में है सनरूफ। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पर पहुंच ही चुके हैं और अब हम बस 4 किलोमीटर दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। तो यहाँ पर हम रुके हुए थे अपने कार वॉश करवाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, चलिए आपको ले चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। बाराती का पार्ट होने के लिए हम हो चुके हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं बाराती बनके। ये शादी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बौद्धिक धर्म के हिसाब से होने वाली है। सो नॉर्मली आप जो शादियां देखते आए होंगे और अभी जो आप मैं दिखाऊंगा आपको ये शादी, ये कुछ अलग रहेगी, ये यूपी वाली शादी रहेगी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेलो गाइस, हम लोग अपने बचपन के फ्रेंड की शादी में बारात एंजॉय कर रहे हैं। काफी दूर लंबा सफर करके यहाँ पर पहुँचे हैं, 500 किलोमीटर इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। आप फील कीजिए हमारे कि हम एक्साइटमेंट एक्साइटेड कितने हैं, डांस कर रहे हैं। सो गाइस यही था हमारा डेस्टिनेशन उधरन गोपालपुर और आप साथ में देख पा रहे हैं राहुल को भी। सो गाइज एक इंटरेस्टिंग वेडिंग देखने के लिए रेडी रहिए, अभी वो वेडिंग होने वाली है। अभी का समय हो रहा है रात के 11:30 और अभी स्टार्ट होने वाली है हमारी वेडिंग। ये देख सकते हैं पीछे सेटअप कुछ ऐसा है यहाँ का। अब चलिए यहाँ पर ऊपर जाके हम आपको दिखाते हैं कि बौद्धिक वेडिंग कैसी होती है। सजना जी तेरे बिना जी लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। ज्योति को जिसका पालन पोषण
आज तक हमने किया, आज से उपासक राम शरीफ जी को उनके पुत्र वधु के रूप में समर्पित करता हूँ। साधु साधु साधु। सबसे पहले कन्या वर को माला पहनाएंगे और बाद में वर कन्या को माला पहनाएंगे। चलिए पढ़ाइए। धानी से देखिए, आशीष जी आप लोगों को फोन किए होंगे, पत्र भेजे होंगे उसका फोटो खींच करके कि शादी में जरूर आइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बहुत कृपा है कि आप लोग चले आए। आइए साहब, एवरीवन आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। स्वस्थ रहें, खुश रहें, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बूम। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।